गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के इंग्लिश का लेसन 4, जिसका नाम है सुकरात। तो चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। बट ऑल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, लेकिन यद्यपि बहुत से लोग उस बूढ़े व्यक्ति को प्रेम करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी पर डिलाइटेड मतलब प्रसन्नता करते थे। देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, बहुत से ऐसे लोग भी थे जो उसकी बातों को पसंद नहीं करते थे। ही टॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स, उसने लोगों को बताया कि मनुष्य का अपना मस्तिष्क प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करता है, हिज कंडक्ट उसके आचरण को, मोर देन द गॉड्स देवी देवताओं से ज्यादा। दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विक्ट आइडिया, कुछ लोगों को यह एक नया और दुष्टतापूर्ण विचार लगा। ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइसेस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, उसने लोगों को बताया कि ग्रीस मतलब यूनान के देवी देवताओं को, टू एथीन तथा एथीन नामक देवी को बलिदान चढ़ाने के अलावा भी बहुत से महान डिट्स मतलब कार्य हैं। एंड मेनी पीपल थॉट, और बहुत से लोगों ने सोचा, दैट मतलब कि ही वॉज लीडिंग द यंग स्ट्रे, वह नव युवकों को लीडिंग स्ट्रे मतलब पथ भ्रष्ट कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, वह उन सब बातों पर प्रश्न करता है जिन्हें मानना उनको सिखाया गया है। एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, और उनके नविकों के मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न कर रहा है। द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस, जो लोग एथेंस पर शासन कर रहे थे, समंड सुकरात को बुलावा भेजा, टू अपीयर बिफोर देम उनके सामने उपस्थित होने के लिए, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल अपने ट्रायल मतलब मुकदमे की, स्टैंड मतलब पैरवी करने के लिए। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू स्केप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, उसके मित्रों ने उससे बेग्ड मतलब निवेदन किया, टू स्केप मतलब बचने के लिए और हाइड मतलब छुपने के लिए, अंटिल मतलब तब तक, द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर जब तक कि तूफान समाप्त न हो जाए। बट सुकरात वॉज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात कायर व्यक्ति नहीं था। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, वह जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, और उसने वही चीज बताया है, व्हाट ही बिलीव्ड जिसमें वह विश्वास करता है, टू बी जस्ट यानी कि जो उचित है, ट्रू मतलब सत्य है, ऑनरेबल मतलब सम्मानित है। एंड सो और इसलिए ही वेंट टू द कोर्ट, वह न्यायालय गया। हिज क्लॉथेज एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रैवल स्ट्रेंथ, उसके कपड़े तथा उसके जूते यात्रा करने की वजह से गंदे हो गए थे। बट एवरी वन न्यू, लेकिन हर किसी को पता था, दैट अ नोबल हार्ट बीट, एक महान हृदय धड़कता है, अंडर द सैबी गारमेंट्स, इन फटे पुराने कपड़ों के अंदर। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उसने एक शक्तिशाली और डिग्निफाइड मतलब गौरवपूर्ण भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस दैट दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ हिज लाइफ, उसने एथेंस वासियों को बताया कि उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्षों को लेकर के उन्हें कोई गेन मतलब लाभ नहीं होगा। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डिड्स, लेकिन वह बहुत सी मौत मरने के लिए तैयार है। फॉर वॉट, उन चीजों के लिए, ही बिलीव टू बी राइट, जिसपे वह विश्वास करता है कि यह सत्य है। द जजेस लिसेंड टू हिम,
जजों ने उसकी बात को सुना, क्वेश्चन्ड हिम, उससे प्रश्न पूछे गए, एंड कंडम्ड हिम टू डेथ, और उसे मौत की कंडम्ड मतलब सजा सुनाई गई। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, बूढ़े व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की। ही लिंड ऑन हिज स्टिक लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, न्यायालय के भीड़ के कमरे के चारों तरफ देखकर वह अपनी छड़ी पर लिंड मतलब झुक गया। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स, प्लेटो और उसके अन्य शिष्य वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, हर समय उसके साथ न्यायालय में मौजूद थे। नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, ही टोल्ड देम, उसने उन लोगों से बताया कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ कोई भी बुरी चीज नहीं हो सकती है, आइदर इन लाइफ यानी कि जीवन में और आफ्टर डेथ या मृत्यु के बाद। सो बी ऑफ गुड चीयर, अतः प्रसन्नता पूर्वक रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड एंड वी गो आवर वेज, मेरे प्रस्थान का समय आ गया है, डिपार्चर मतलब प्रस्थान, और हमें अपने अपने मार्ग पर जाना है। आई टू डाई, मुझे मरना है, एंड यू टू लीव, और तुम्हें जीवित रहना है।